भाइयों नमस्कार, मैं जोशी दिलीप सभी किसान मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम आए हमारे भारत की आन बान और शान और पूरे एशिया खंड की सबसे बड़ी जो बना दे रही है उसी के एक कांकरेज गौ संवर्धन केंद्र पर। भाइयों, जिस जगह पर अपन आए हैं ये जगह का नाम है रैया कांकरेज गौ संवर्धन फार्म, जो उत्तर गुजरात बनासकांठा जिला और देवधर तहसील और गांव का नाम रिया ही है। तो भाइयों, यहाँ पर दुनिया की सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी जिसे हम इमरियो ट्रांसफर प्रोग्राम बोलते हैं, जिसे हम भ्रूण प्रत्यारोपण या गर्भ प्रत्यारोपण नाम से भी हम जानते हैं, हमारे पशुओं में जो हम ब्रीडिंग करते हैं तो देशी गायों में कम से कम 10 से लेकर 15 साल हम ये ब्रीडिंग करते हैं, अच्छे अच्छे बुल का चयन करते हैं, अच्छे गोवंश चुनते हैं, तो समय भी लगता है और पैसों की भी खपत होती है, समय की भी खपत होती है। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पशुओं में एक ही बेहतर में नस्ल सुधार कर सकते हैं, जैसे कि आने वाला सभी जो गोवंश है या दुधारू पशु है वो एक ही बेहतर में अधिक से अधिक दूध देने वाला और अधिक से अधिक रूपवान मिलेगा। तो यहाँ पर देखो भाई, ये कांकरे ये HF गाय है और उसके अंदर कांकरेज के बच्चे लिए जा रहे, तो ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है भाई, विस्तार में आप देखें। और ये बना दे रही सभी ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर जो बनासकांठा है उसे सिर्फ 5,000 में ये टेक्नोलॉजी किसानों को करके दे रही है। तो क्या पूरी प्रोसेस है, कितनी शख्स में, पूरा विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद जो किसान भाई है, जो पशुपालन भाई है, उसे ये वीडियो शेयर अवश्य करें। तो चलिए डॉक्टर साहब से मिलते हैं और ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे विस्तार से अपन माहिती लेते हैं। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। सर, पहले आपके बारे में और ये यूनिट के बारे में थोड़ा हमारे पशुपालक भाइयों को विस्तार में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर आर डी जोशी है। ये बनास डेयरी का रैया फॉडर फार्म और एम्ब्रियो ट्रांसफर फार्म है। अच्छा, यहाँ हमने बनासकांठा के अलग अलग एरिया से 100-150 जितने एनिमल यहाँ रखे हैं वो अच्छा। क्रॉसब्रेड एफर्स है जी, थोड़ी कांकरेज भी है जी। तो यहाँ हम एफर्स को मतलब रेयरिंग करते हैं अच्छा, और उसके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, तो सर ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितने फिलहाल अभी बच्चे आ चुके हैं? अभी तो बना देर थ्रू 30 बच्चे आ चुके हैं। अच्छा, 30 और दूसरे 100 एनिमल जितने प्रेगनेंट है अभी वो बच्चे आने लगेंगे धीरे धीरे जी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर संकेत पाटिल है जी, और मैं NDDBM में एनिमल ब्रीडिंग ग्रुप में काम करता हूँ। अच्छा, सो आज हम यहाँ पे जो बनास डेयरी का जो रैया फार्म है अच्छा, वहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आए हुए थे। अच्छा, सो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर एक उदाहरण क्या इससे बताऊं तो एक गाय जो अच्छी गाय है वो फार्मर के घर पे, एक खेडूत के घर पे जी, उसके जीवन काल में 3 से 4 बच्चे देगी। और आइडियली हम अगर बात करें तो एक गाय ने साल भर में एक बच्चा देना चाहिए। अच्छा, पर इस एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से उस गाय की मदद से उससे जो एम्ब्रियोज जो भ्रूण जिसे कहते हैं अच्छा, वो भ्रूण लैब के अंदर बनाए जाते हैं और वो भ्रूण जो अपनी खेडूत के पास फार्मर के पास जो साधारण एनिमल्स है जो इतना अच्छा दूध नहीं दे रहे हैं सो उन एनिमल्स के अंदर वो एम्ब्रियोज वो जो भ्रूण को ट्रांसप्लांट करके उनको एज ए सरोगेट एज ए रेसिपिएंट यूज करके उनके अंदर से जो अच्छी गाय थी हमारी उससे हम बच्चे ले सकते हैं। तो ताकि उससे दो फायदे होते हैं, एक जो अपनी ऑलरेडी एक जो नॉर्मल गाय है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, दूसरा है कि उससे आने वाला जो बच्चा होता है वो एक अच्छी गाय से होता है जिससे हमें पता है कि उसका दूध एक अच्छा होगा जी। तो सर जैसे कि हमारे जो पशुपालक भाई है वो ब्रीडिंग करता है कोई भी, जैसे कि हमारी जो देसी नस्ल है अच्छी तरह से ब्रीडिंग करते हैं तो कम से कम 10 से लेकर 15 साल लगते हैं, और ये साल के पीछे हमारे पशुपालक भाइयों को समय भी खपत होती है और पैसों के भी उसके अंदर खर्च होता है। तो ये टेक्नोलॉजी कितनी सक्षम है, थोड़ा ये विस्तार से बताएं। जो एक ब्रीड इम्प्रूवमेंट जिसे कहते हैं कि एक नस्ल सुधारना जी, ये टेक्नोलॉजी का मेन जो एम है, जो एक मेन गोल जिसे बोलते हैं, वो यही है कि जो आज के सिचुएशन में जो एनिमल्स अपने पास है जी, कितना जल्दी हम उनकी नस्ल सुधार सके, उनका ब्रीड इम्प्रूवमेंट करा सके जी। सो इसीलिए जो अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके थ्रू अच्छी अच्छी डोनर सिलेक्ट की जाती है जी, और उन डोनर से जो आए हुए एम्ब्रियोस से जो काफ आने वाले होते हैं वो काफ का जो नस्ल होती है वो जो उनकी ब्रीड होती है ब्रीड इट इज इम्प्रूव्ड जो एक नॉर्मल जहाँ पे एनिमल्स आ रहे हैं। सो उससे क्या होता है कि जो भी आगे जाके जो काफ्स आएंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू उनकी
ब्रीड इम्प्रूव, मतलब जो ऑलरेडी इम्प्रूव होगी और दे आर मोर कैपेबल, वो अच्छे से कैपेबल होंगे फॉर मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से। तो फार्मर को इससे एक फायदा है कि जो उसका एग्जिस्टिंग हर्ड है, जो उसका अभी जो एनिमल्स है, उन्हीं में से उसको रिप्लेसमेंट की तरह एक अच्छे नस्ल के एनिमल्स मिल सकते हैं, जिसमें उसको एक वही खर्चे में ज्यादा दूध उत्पादन हो सके, वैसा उसके एनिमल्स उसके पास रेडी हो जाते हैं। सर ये थोड़ी ये प्रोसेस क्या होती है, ऐसे कुछ अंडाणु की प्रोसेस होती है, कुछ सीमन की होती है, क्या पूरी थोड़ी साइंटिफिकली हमारे पशुपालक भाई को थोड़ा डिटेल साइंटिफिकली बताए तो जैसे आप यहाँ पे दो एनिमल हीट में है जी, सो कैसा है कि कोई एक गाय गर्मी में आती है जी, तो गर्मी में आने के बाद उसमें से एक बीज छूटा पड़ता है। अच्छा, वो बीज को छूटा पड़ने के टाइम पे हमने उसको बाहर से एआई कर दिया होता है जी। सो बीज और एआई से जो सीमेंट जाता है वो मिलके उसमें से भ्रूण बनता है जी। और वो भ्रूण जाके वो गाय प्रेग्नेंट होती है, पर गर्मी में आने के बाद एक गाय में से एक ही बीज छूटा पड़ता है। अच्छा, इसके वजह से वो बच्चा भी एक ही देती है जनरली जी। बट इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि जो डोनर यूज की जाती है उसमें से हमें ज्यादा एक टाइम पे जब हम ओवम पिकअप, जिसमें उसमें से जो हम स्त्री बीज होते हैं जो हम उसका कलेक्शन करते हैं, उसमें से ऑन एन एवरेज 15 से 20 तक हमें बीज मिल जाते हैं, जो एग मिल जाता है जी। वो एग मिलने के बाद उसको एक अच्छे जो सीमेंट जो होता है, अच्छे बुल का सीमेंट, जो ग्रेडेड सीमेंट स्टेशन के जो बुल होते हैं उसके बुल, उस सीमेंट से यूज करके उस जो ओसाइट्स है, जो एग्स है, उनका IVF किया जाता है। और IVF करने के बाद उसमें से जो एम्ब्रियोज बनते हैं, वो एम्ब्रियोज जैसे ये एनिमल आज गर्मी में है, तो गर्मी जो एनिमल आपका गर्मी में आया है वो गर्मी के 7वें दिन पे उस एनिमल में वो एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें उसको रखा जाता है। जैसे बच्चा रखना आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग बोल रहे हैं कि बच्चा रखने आए हैं। सो गर्मी में आने के बाद जो खेडूत के पास, फार्मर के पास जो एक साधारण गाय है, रेसिपिएंट है, उसके अंदर गर्मी में आने के बाद 7वें दिन पे एक भ्रूण रखा जाता है जी। जैसे कि सर हम नॉर्मल तरीके से कोई भी हमारा जो पशु होता है वो एक साल में एक ही बच्चा देता है, तो हम जो ये इम्ब्रियो माध्यम से जो इम्ब्रियो ये अपने जो इटी ये टेक्नोलॉजी है ये माध्यम से जो अच्छे रिकॉर्ड वाले जो गाय होती है वो फील्ड में अधिक से अधिक कितने बच्चे दे सकती है पूरे साल में, एक फैसिलिटी पे अगर कोई अच्छी डोनर है जो इस ओवम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए यूज की जा रही है जी। तो ऑन एन एवरेज उस अच्छी डोनर में से हम ऑन एन एवरेज 20 से 25 बच्चे उस गाय से फील्ड में फार्मर के पास ले सकते हैं। एम्ब्रियो जो भ्रूण बनाया जाता है वो जो डोनर यूज हुई है जो और जो बुल यूज हुआ है उसका एम्ब्रियो होता है वो। तो अगर मैं कांकरेज, जैसे उदाहरण तरीके मैंने कांकरेज डोनर यूज की और सीमेन भी मैंने कांकरेज का यूज किया है, तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो प्योर कांकरेज का बनेगा। अच्छा, और उस एम्ब्रियो को अगर मैं किसी HF गाय में रखता हूँ, किसी गिर गाय में रखता हूँ, किसी में जर्सी गाय में भी रख देता हूँ। अच्छा, सो उसका जो उसका यूट्रस है जिसको बच्चादानी गर्भ पिशवी बोलते हैं, अच्छा, उसके अंदर रखने के बाद उसको एज ए सरोगेट की तरह यूज करें उस एम्ब्रियो को बड़ा करने के लिए। अच्छा, ताकि उसमें से वो काफ आए, जो जिसके अंदर वो एम्ब्रियो रखा जा रहा है, भ्रूण रखा जा रहा है, उसका वो गाय उसे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो बच्चा बड़ा हो सके, और उसमें से जो काफ आता है वो हमें जो कांकरेज एम्ब्रियो डाला था वो काफ आएगा, और ये जो एनिमल है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता जी। जैसे कि हमने बाहर जो प्रजाति है वो तो डिसाइड कर ली, जैसे कि ये कांकरेज है और बच्चा भी हमने प्रॉपर 6-7 दिन का कुछ होता है वो बना लिया, लेकिन उसका तो सिर्फ ये कोख का इस्तेमाल होगा, पेट का इस्तेमाल होगा, जो हमने बाहर सिलेक्ट करके जो अंदर रखा है वही बचाएगा जी। तो सर जैसे कि कोई भी किसान भाई या पशुपालन भाई ये इम्ब्रियो ये ईटी प्रोग्राम करना चाहते तो कितनी गाय होगी तो उससे थोड़ा मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, आप अपने हिसाब थोड़ा विस्तार बताएं। आज के सिचुएशन से बात करें तो एक अगर फार्मर को अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना है तो वो अपने जो नियरेस्ट मिल्क यूनियन है जी, उसके जहाँ पे वो दूध जमा कर रहा है वहाँ से बात करके वो ये फैसिलिटी का उपयोग ले सकता है। दूसरा है कि जो फार्मर इंटरेस्टेड है उसे ऐसे एनिमल में एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना चाहिए जो एनिमल जैसे कि हीफर है, वाछड़ी है, जो रेगुलरली गर्मी में आना चालू हो गई है, जो रेगुलरली हीट में आती हो, या फिर ऐसी गाय हो पहले वेतर की, मतलब जो फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन की जो गाय बोलते हैं, अच्छा, ऐसी गाय हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए यूज़ करनी चाहिए। और ऐसी गाय जो रिपीट ब्रीडर कहते हैं, जिसको हमने 2 बार AI कर दिया हो, जिस गाय में 4 बार AI हो गया हो, जो लंबा दिन तक गर्मी में रहती हो, ऐसी गाय में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें उससे ही रिजल्ट्स कम मिलेंगे। अच्छा, हमें अपने अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर में सबसे अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें हीफर यूज़ करनी चाहिए यार, और पहले लैक्टेशन की गाय यूज़ करनी चाहिए। और गाय भी जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका ब्याहने के कम से कम 3.5 से 4 महीने के बाद जब उसकी रेगुलर गर्मी चालू हो जाए तब जाके उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप करवाना आप अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जा रहे हो तो मिनिमम 6 से 7 एनिमल आप अगर अपने फार्म पर अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हीफर्स हो तो और बेहतर बात होगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अच्छा अच्छा, यानी कि सर उसके अंदर कोई शारीरिक या कोई अन्य कोई खराबी ना होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, जो भी आप गाय या
पर दे रहे हो वो रेगुलरली साइक्लिक होनी चाहिए, उसकी गर्मी रेगुलर 21 दिन के इंटरवल पे होनी चाहिए, उसमें से कोई भी एक अबनॉर्मल स्त्राव नहीं होना चाहिए और रिपीट ब्रीडर नहीं होनी चाहिए। जो AI से जो जिसमें 1, 2, 3 AI होने के बाद भी जो गाबन नहीं रह गई वाछड़ी, ऐसी वाछड़ी या फिर ऐसी गाय एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए नहीं देनी चाहिए। इस ET टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसमें हमें सेक्स सॉर्टिंग जो बुल यूज़ कर सकते हैं, जो भी सेक्स सॉर्टेड बुल यूज़ कर सकते हैं, जो भी एम्ब्रियोज बनते हैं, हमें 99% पता होता है कि वो जो एम्ब्रियोज बने वो सेक्स सॉर्टेड एम्ब्रियोज है, उसमें से फीमेल काफ़ी आएगी। सो जो सेक्स सॉर्टेड एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी रेट पर ऐसा कोई ये है नहीं, जो भी एम्ब्रियो है उतना ही उसका प्रेगनेंसी रेट आता है और जो भी काफ आएंगे वो सेक्स सॉर्टेड फीमेल काफ़ी आता है। अच्छा, तो ये सर टेक्नोलॉजी कितनी सक्षम है, कितनी सक्षम है थोड़ा बताओ। आज के हिसाब से, आज के कंडीशन के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी 25-30% के आसपास प्रेगनेंसी रेट मिल जा रहा है। अच्छा, तो सर लास्ट में हमारे पशुपालक भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के पशुपालक उन्हें मेरा यही कहना होगा कि जो भी आपके पास अभी पशु है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी टेक्नोलॉजी से, जो आप AI से शुरू कीजिए, उसके बाद आगे एम्ब्रियो ट्रांसफर पे जाइए, पर इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके आपके पास जो अभी एनिमल्स हैं उनकी नस्ल सुधारिए, उनका ब्रीड इम्प्रूव कीजिए, ताकि आगे जाके आने वाले टाइम पे आपके पास ऐसे एनिमल रहे जो उतने ही फॉर्डर में, उतने ही कॉन्सेंट्रेट, उतने ही इनपुट्स में आपको अच्छा उत्पादन दे सके, ताकि आपका भी जो दुग्ध पालन वाला व्यवसाय है वो प्रॉफिटेबल रहे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़कर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, शौक बताया, दिल से धन्यवाद।